तो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग में फिलहाल शांति का रास्ता तलाशा जा रहा है, लेकिन जब तक शांति नहीं होती तब तक संयम चलता रहेगा, क्योंकि रूस अगर अड़ा है तो यूक्रेन भी डटकर खड़ा है। ऐलान सीधा है, मरेंगे या मारेंगे और पीछे नहीं आएंगे। रूस अड़ा, यूक्रेन डट कर खड़ा। आजादी, जान की बाजी लगा दी। मारेंगे या मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन की जनता का जोश हाई है। वेलकम टू हेल, रूस की सेना के लिए पैगाम है यूक्रेन का। रूस यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन की ओर से ड्रोन अटैक का ये वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की सेना पर उसने ड्रोन अटैक किया है। जाहिर रूस ने जितनी आसानी से यूक्रेन फतह का सपना देखा था, वो अब उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। रूस के हर वार का यूक्रेन करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन के लोगों को मौत मंजूर है, लेकिन वो रूस से हार की जिल्लत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। रूस की सेना का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने भी कमर कस ली है। यूक्रेन को रौंदने पर आमादा रूस के टैंकों के आगे यूक्रेन के आम आदमी भी दीवार बनने को तैयार है। उत्तर पूर्व यूक्रेन में स्थित बाखमुत शहर की तस्वीरों को देखिए। रूस की सेना शहर में घुस चुकी है, टैंकों का काफिला सड़क से गुजर रहा, तभी ये शख्स अपनी जान जोखिम में डालते हुए टैंक के सामने कूद पड़ा। इस एक शख्स के हौसले ने टैंकों के काफिले को रोक दिया। वो टैंक के ऊपर चढ़ गया, टैंक की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन वो टैंक पर ही डटा रहा। थोड़ी देर के बाद टैंक रुक गया, ये शख्स फिर टैंक के सामने खड़ा हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे हटाया और तब जाकर टैंकों का काफिला आगे बढ़ सका। कोई भी जंग बिना हौसले के नहीं जीती जा सकती, और संकट के इस घड़ी में यूक्रेन के लोगों का जोश हाई है। चेक रिपब्लिक में ये उन लोगों की भीड़ है जो अपने देश लौट रहे हैं। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश पर मन मिटने के लिए 34 साल की यूलिया से सुन लीजिए कि इनका जज्बा कितना बड़ा है, जोश कितना हाई है। If somebody give me a weapon, I will fight. I'm not afraid. I can shoot. I will shoot all the Russian soldiers or another people who wants bad for us, for bad for Ukraine, bad for my family. I can shoot. I'm not afraid. I want to fight. खुद यूक्रेन को भी भरोसा नहीं था कि रूस के आगे वो इतने दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन जंग ने यूक्रेन को शायद ये सबक सिखा दिया है कि बिना लड़े हथियार डाल देने से बुरा कुछ भी नहीं। इसलिए यूक्रेन आखिरी सांस तक लड़ना चाहता है। यूक्रेन के आम शहरी मर मिटने को तैयार है, तो यूक्रेन की फौज भी पलटवार में जुटी है। यूक्रेन का दावा है कि अलग अलग जगहों पर उसने 4300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूसी सेना के 146 टैंक भी तबाह कर दिए हैं। रूस के 27 फाइटर जेट और 26 हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा यूक्रेन की फौज कर रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की 49 तोप, 30 ऑटोमोबाइल उपकरण और 706 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो चुकी हैं। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक इस जंग में 64 आम नागरिकों की जान गई है। रूसी मिसाइलों के हमले में कीव और खार्किव समेत कई शहरों में दर्जनों रिहायशी बिल्डिंगें जमींदोज हो चुकी हैं। लेकिन यूक्रेन फिर ना टूटा है, ना हारा, और वो लड़ रहा है इंच इंच जमीन के लिए, और वो लड़ेगा जब तक कि टूट ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन के बीच में जहां बातचीत होती दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज चौथे दिन रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, लेकिन इस बीच में पूर्व मिस यूक्रेन भी जंग के मैदान में उतर आई। यूक्रेन में अब शुरू हुआ गोरिल्ला वार।
सड़क पर उतरे लोग हाथों में थामे हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, दिए हथियार। अब यूक्रेन की बड़ी और मशहूर हस्तियां ने उठाए हथियार। यूक्रेन की सबसे खूबसूरत महिला और पूर्व मिस ग्रैंड यूक्रेन ने हथियार उठा लिए हैं। ये है अनास्तासिया लेना। अनास्तासिया लेना 2015 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यूक्रेन की प्रतिनिधि थी। लेना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि उन्होंने अपने घर की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। वो अब देश की रक्षा के लिए यूक्रेनी सेना में भी शामिल हो गई हैं। इससे पहले यूक्रेन की एक महिला सांसद कीरा रुडिक ने अपने हाथों में हथियार लेकर फोटो ट्वीट किया और लिखा कि मैं बंदूक चलाना सीख रही हूँ, अब हथियार उठाना जरूरी हो गया है। वैसे यूक्रेन की सेना में काफी संख्या में महिलाएं हैं। यूक्रेनी आर्मी में 15-20% महिलाएं हैं। रूस के युद्ध के पहले ही युद्ध की आशंका की वजह से काफी महिलाएं देश की रक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर हथियार उठा चुकी हैं। मतलब साफ है, यूक्रेन की स्वतंत्रता की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, इसलिए यूक्रेन की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब महिला सैनिकों ने अपना दम दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तरकीब में कल एक बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया गया था और इस मामले में रूस ने कहा है कि यह हमला यूक्रेन ने ही गलती से किया था, रूस ने यह हमला नहीं किया। यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ रहे हैं टैंक। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन भी कर रहा है ताबड़तोड़ हमले। चारों ओर है तबाही का मंजर, हो रहे हैं केवल धमाके। रूस चुन चुन कर विशेष ठिकानों को बना रहा निशाना। कल ऐसे ही एक मिसाइल हमले में कुछ ही सेकंड में कई मंजिला एक बिल्डिंग में धमाका हुआ था। पहले था रूस पर हमले का आरोप, लेकिन रूस ने इनकार किया। रूस ने ट्वीट करके लिखा कि मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कीव में नागरिक भवन को रूसी वायुसेना के रॉकेट ने हमला किया था, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों को यकीन है कि ये यूक्रेन के वायु रक्षक प्रणाली की मिसाइल थी। रूसी वायुसेना आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने से बचती है। कल कीव के रिहायशी इलाके में इस बिल्डिंग के एक हिस्से पर हमला हुआ था। इस हमले को लेकर यूक्रेन के गृहमंत्री ने ट्वीट किया था और इसकी तुलना अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद की तस्वीरों के साथ की थी। ट्वीट में अमेरिका के बिल्डिंग और कीव पर हमले की बिल्डिंग को दिखाया था। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने बिल्डिंग पर हमले को आतंकवादी हमले से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब रूस ने इस पूरे मामले में सफाई देकर साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रूस का ये दावा सही साबित नहीं होता है कि रूसी वायुसेना आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा रही। ये तस्वीर दिखा रही है कि नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट, 223 टैंक, 39 मिलिट्री वाहन, 28 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 4,000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया, जबकि 102 टैंक, 540 बख्तरबंद गाड़ियां, 16 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। मतलब एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के अपने अपने दावे हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं हम रूस के गुनाहों का हिसाब रखेंगे। मतलब साफ है कि युद्ध रुकने वाला नहीं, क्योंकि दोनों देश इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन जहां अपनी स्वतंत्रता और देश के लड़ने की बात कर रहा है, तो वहीं रूस यूक्रेन की सरकार बदलने के लिए युद्ध कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।